ओके बच्चा बड़ी, तो आज हम करने वाले हैं हॉर्ड्स, ठीक है। इट मींस हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं हॉर्ड्स। ये मैथमेटिक्स सक्सेस क्लास 8 का चैप्टर 6 अलजेब्रा एक्सप्रेशन चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का। आज जो हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 9 को, तो बिना समय बिताए चलिए आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और दूसरा कह रहा है एक्स टू पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू फाइव। देखो बच्चे, यहां पे दे रखा है कि यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी गिवन है फाइव, तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और सेकेंड एक्स टू पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर फोर। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। क्या करेंगे हम, पहले क्या निकालना है स्क्वायर, तो हम यहां पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड का हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा। तो अब यहां पे फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा आपका यहां पे ए प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। तो यही फॉर्मूला हम यहां पे लगाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो होगा ये वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन हमें पता है वन का स्क्वायर तो वन ही होता है और एक्स का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू इंटू वन टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल टू, और फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब देखो एक्स से एक्स कट गया है, बिल्कुल कट गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 25। इस टू को इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस का टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 23। ये पहले का आंसर आ गया, ये किसका आंसर आ गया, पहले का। अब यहां देखना दूसरे पेज में, यहां पे हमें गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23 आ गया है। आपको चाहिए क्या, एक्स टू पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर फोर चाहिए, ये चाहिए ना बच्चा पार्टी। तो अब देखो क्या करेंगे हम फिर से क्या करेंगे, इन दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब 23 का स्क्वायर करना चाहोगे आप तो फॉर्मूले से कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, ऐड करेंगे तो 9, ये हो जाएगा 2 और ये 4 और 5, 529, ठीक है। अब देखो ऊपर के एक्स स्क्वायर से नीचे का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, ये हो जाएगा 2 के पावर 2 मतलब x के पावर 4, और यहाँ जाएगा 2 के पावर 2 मतलब 1 अपॉन x के पावर 4 इक्वल टू 529। ये 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2, क्योंकि यहाँ तो 2 बचा था, तो ये हो जाएगा x टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू पावर 4 इक्वल टू 527, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था और बड़े ही आराम से हमने इस क्वेश्चन को क्या किया बच्चों, सॉल्व कर लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बस चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।